चल चल आप पहले रहो इधर। हाँ बोलिए, क्या सवाल? देखिए अनाउंसमेंट तो बहुत बड़ा होगा क्योंकि एक फिल्म हमारी भी है जो मैडम ने यहाँ कही है, दैट इज़ कॉल्ड काबुलीवाला। सो उनके प्रोड्यूसर भी आएंगे, सब आएंगे। और बाकी इसके बारे में क्या बोलूँ, आई एम ऑस्ट्रक। मैं अभी तक मैं इससे निकला नहीं हूँ, सो ह्यूज, सो बिग। एंड मैम देशपांडे हेल्म ऑफ इट, आई एम वेरी श्योर इज गोइंग टू हिट द बुलजाय। बहुत बड़ा होने वाला, बहुत बड़ा। आप ऐसा मत, एक्सपेक्टेशंस को ब्लो करेंगे। बनाए तो दो आदमी ने, छवि विश्वास जी और बल्ला सानी जी ने। ये तीसरा मौका मुझे दिया गया है, बट आप उनसे मुझे कंपेयर मत कीजिए। दे आर लेजेंडरी इमोर्टल एक्टर्स। मैं अपनी तरह से जितनी कोशिश करूँ। मेरा शो है इंस्पेक्टर अविनाश। इंस्पेक्टर अविनाश खुद यहाँ पे आए हुए हैं, उनकी लाइफ पे आधारित है और बहुत बढ़िया शो बना है। हार्टलैंड का शो है, तो आई एम लुकिंग, रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। नहीं, ये वीर सावरकर का लुक है। थैंक यू। बहुत रंगीला और बहुत दमदार। थैंक यू। हो गया, और चाहिए? और दोनों साथ में, साथ में। सोलोज आर नॉट डन मैम।
Ma'am's solos are not done. Hello. Come. Hi, how are you? Hi. Sir, Danish sir? नाम बोल सकते हैं आइए ना बोल सकते सर सर हमारे डायरेक्टर हैं ये हमारे डायरेक्टर हैं दानिश असलम इन्हीं की वजह से हम यहाँ हैं। पोस्टर पे आ रहा है आज। अच्छा तो आप ही बोलिए सर। पिक्चर का नाम है ख्वाबों का झमेला। मैं ख्वाब हूँ ये झमेला है। मैं झमेला हूँ ये ख्वाब है जी। इनका झमेला उसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी यार। ये तो ये मेरा कंजॉइंड को एक्टर है। मैं जहाँ जाती हूँ ये आ जाता है, ये जहाँ जाते हैं मैं आ जाती हूँ। तो हमारा झमेला पकता ही रहता है। इसके बीच में दानिश ने कुछ ख्वाब देखा था वो डाल दिया है। तो इट्स अ रियली फन फिल्म। इट्स अ रोम कॉम और मुझे तो बहुत ही मज़ा आया रोम कॉम करने में। और हमने लंदन में शूट की और हाँ काफ़ी मज़ेदार रही जर्नी। बहुत मज़ेदार। इट्स अ ब्यूटीफुल रोम कॉम। इट्स अ क्यूट रोम कॉम फील गुड फिल्म। इज इट अ फैमिली फिल्म? नो मेबी इट इज अ रियली फन फिल्म। इट्स अ फन फिल्म। इट्स अ रोमांटिक फिल्म। शावनी एंड आई आर डूइंग अ फिल्म टुगेदर। वी बीन डूइंग अ शो टुगेदर फॉर 5 years, 6 years almost. तो जैसे शावनी ने कहा हमारी खिचड़ी बहुत सालों से पक रही है और वो ट्रांसलेट हुई है एक फिल्म में और हम कोस्टार्स हैं एक फिल्म में। तो उसका अनाउंसमेंट आज हो रहा है। हमारे डायरेक्टर हैं दानिश असलम। व्हाट अ कैप्टन। और मैं बोलना चाहूँगी अर्पिता जो हमारी राइटर भी है, दानिश और अर्पिता ने साथ में लिखा है फिल्म। इतना कमाल का स्क्रिप्ट लिखा है इन दोनों ने। इतनी अच्छे से हर कैरेक्टर को बहुत ब्यूटीफुली लिखा है। तो करने में बहुत मज़ा आया। बहुत मज़ा आया। अगेन बताइए जी स्टूडियो जियो स्टूडियो जी जी जी। मैं कुछ अनाउंस होने वाला है इसीलिए यहाँ पे मौजूद हूँ और बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ जिस फिल्म के बारे में बात होने वाली है और इस एसोसिएशन को लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ। कॉमेडी यस हाँ टफ होता है लेकिन अच्छे एक्टर कुछ भी कर लेते हैं। Yeah.
अभी वही अनाउंस करने जा रहे हैं हम कि जो भी हम आप जो देखेंगे वही बात कहने जा रहे हैं। अभी बताना है मुझे पता नहीं है, अभी बताना है नहीं बताना है। तो मुझे अच्छा है कि मतलब जियो इतना बड़ा कंटेंट लेके आ रहा है और उसमें मेरी भी फिल्म है और वो फिल्म के बारे में भी थोड़ी देर में बात करेंगे हम। नहीं अच्छी बात है, अगर लोगों को अच्छा लग रहा है तो किसी भी मेकर को अच्छा लगता है। तो मैंने काम किया, प्रोड्यूस किया है वो फिल्म जो फिल्म की बात कर रहे हैं। थैंक यू। हेलो, यू हैव टू से समथिंग। आई हैव एक्चुअली बीन टोल्ड देयर इज अ बिग बिग सरप्राइज, तो मुझे पता नहीं क्या चल रहा है अंदर, बट आई एम एक्साइटेड जो भी चल रहा है, क्योंकि सब एवरीवन फ्रॉम जियो हैज टोल्ड मी दैट वी आर इन फॉर अ बिग सरप्राइज एंड आई कांट वेट टू गो इन टू सी व्हाट द बिग सरप्राइज इज। थैंक यू। हाय, बहुत बढ़िया। मेरे तीन प्रोजेक्ट्स हैं जो आने वाले हैं ऑलरेडी। वन इज़ अ फिल्म कॉल बा, वन इज़ एंथोलॉजी कॉल इश्क नादान, एंड वन इज़ डॉग्स नॉट अलाउड। नहीं आप तरसेंगे नहीं, बहुत सारा कुछ आ रहा है और हर प्रोजेक्ट बहुत अलग है। लाइक बा एकदम अलग है, इश्क नादान अलग है, सो यू विल सी मी इन डिफरेंट रूप्स होपफुली। थैंक यू। थैंक यू। या दिस इज वंडरफुल इवनिंग, और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं क्योंकि हर लैंग्वेज के हर इंडस्ट्री के आदमी आज यहाँ पे हैं और बहुत सारे फिल्म्स की अनाउंसमेंट होगी। आई एम वेरी एक्साइटेड एंड इट्स अ वंडरफुल न्यूज़ फॉर सिनेमा लवर्स ऑल ओवर द कंट्री। बहुत अच्छा, बहुत सारे आदमी से मिल रहा हूँ और मुझे लगता है कि पूरा पैन इंडियन एक एटमोसफेयर है यहाँ पर। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू।